सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है, बहुत ही इमोशनल डे था, आप काफी इमोशनल हुए सर, रो पड़े जब केक काट रहे थे, सबसे मिल रहे थे, क्या कहना चाहोगे? और दिस इज योर फर्स्ट शो तो काफी आपके लिए इमोशनल टाइम है। ऑब्वियसली अपॉर्चुनिटीज़ तो और भी ज़्यादा मिलेंगी, काम और भी ज़्यादा मिलेगा, लेकिन चीज़ ये होती है कि इमोशंस जो होते हैं ना, जो फीलिंग्स होती हैं, अभी हम आज पहली बार मेरा घर जाने का मन नहीं हो रहा तो होता है, क्योंकि बहुत मैंने यहाँ पे बहुत कुछ सीखा, सारे लोग सारे एक्टर्स यहाँ पे काफ़ी एक्सपीरियंस थे और मैंने जितना सीखा है ना शायद मैं 5-6-7 साल में ना सीख पाता, तो थोड़ा इमोशनल है। सर आप क्या कहना चाहेंगे? काफ़ी इमोशनल हुए आप, मतलब जो जर्नी एंड होने वाली नहीं थी वो एंड हो चुकी है। हाँ, सी एवरीथिंग विच हैज स्टार्टेड हैज़ कम टू एन एंड। और शुरू में जब हमें डेफिनेटली बीइंग ह्यूमंस हमें लगा कि अरे यार अचानक से, लेकिन फिर उसके बाद जो विजडम होती है, समझ होती है, वो ये कहती है कि लोग कहें आपको कि क्यों नहीं जा रहे, आज हमें लोग बोल रहे हैं अरे टीम फालतू क्यों जा रहे हो, तो ये बहुत बड़ा अंतर है दोनों बातों में। और जब हमें कहा जा रहा है कि क्यों जा रहे हो, तो इस नोट के साथ जो है ना, ये हमारे लिए बहुत फख्र की, बहुत प्राउड की बात है। एंड जैसा आपने सही पकड़ा था, आपकी ऑब्जर्वेशन सही है, हाँ यार बहुत इमोशनल हुए एंड ये इमोशंस पे भी हमें बड़ा फख्र है। आप क्या कहना चाहेंगे? अब क्या कहूँ, मैंने ऑलरेडी बहुत कुछ सबके साथ बहुत इमोशनल सीन्स है, बट अ लॉट ऑफ टाइम अ लॉट ऑफ दोज इमोशंस हैव बीन वेरी ट्रू। आई रियली फील फॉर दिस चिल्ड्रेन एंड आई रियली 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 लव ऑल द यंग किड्स दैट आर ऑन दिस सेट। ऑल दिस चिल्ड्रेन आई फील आर लाइक माई बच्चाज, यस एंड आई लव देम सो मच। एंड एक बच्चा इधर आओ, राजगोपाल इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, एक टैलेंटेड बच्चा, जैसे फरीदा जी ने कहा, ये टैलेंटेड बच्चा, ये हमारे सह निर्देशक असिस्टेंट डायरेक्टर हैं और ये अभी अजहर को पिंचो को शॉट में लेकर जाने के लिए आए हैं। पर अगर आप प्राउड ऑफ यू, वेरी मेंटर को जाओ ना भाई, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, हाँ बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। ओवरवेलमिंग इमोशंस, जब कभी कभी मौके आते हैं ना कि आप टीयर्स भी है, लेकिन वो हैप्पी टीयर्स भी है, खुशी भी है, गम भी है, मिक्स इमोशन है, ये वो है, लेकिन हैप्पीनेस ज़्यादा है कि इस बिना वंडरफुल वंडरफुल टीम एंड अ ब्यूटीफुल मेमोरीज हम वो लेके जा रहे हैं। आपने जब केक कटिंग हुए थे, आप दोनों ने निहारिका को काफ़ी वो प्रोत्साहन किया कि बहुत अच्छी आपने काम किया, क्या कहना चाहोगे? मतलब आपने भी और मैम ने भी, दोनों ने आपका ऑब्जर्वेशन की दाद देना चाहेंगे कि आपने इतनी भीड़ में मतलब हमारे वो जेस्चर को वो किया, ये शायद मैम की या मेरी, हमारा पर्सनल एक्सप्रेशन था टू हर, अभिव्यक्ति थी कि अरे बहुत कम उम्र की बच्ची है, बहुत टैलेंटेड है, इमेंसली टैलेंटेड, एंड शी इज़ अ गिफ्टेड आर्टिस्ट, एंड जितनी मेहनत उसने की है, रादर आकाश आयान जो है, बोथ ऑफ देम मेक अ लवली पेयर, एंड स्पेशली हर, क्योंकि इतनी टेंडर एज में आई थिंक उससे बहुत ज़्यादा सीखने को मिला हम सबको, सो वी आर प्राउड ऑफ हर व्हाट एवर शी इज़। आपकी जो टीवी स्क्रीन में भी जो जर्नी थी फालतू के साथ, वो काफ़ी बेहतरीन रही, क्या कहना चाहोगे? जब डिवोर्स भी हो रहा था आप कह रहे थे, मैं बिल्कुल मानने को तैयार नहीं थी, क्योंकि मेरे मन में मैं हमेशा मानती थी कि अयान और फालतू एक साथ बिलोंग करते हैं और एक साथ ही रहेंगे। तो आखिर में जो मैंने सोचा था और जो मैंने व्हाट आई वाज कन्विंस्ड अबाउट वही हुआ, अयान और फालतू हमेशा के लिए एक साथ रहेंगे। एक हो गए। तो क्या पार्ट टू फालतू का कभी आ सकता है, क्या हो इंशाल्लाह? स्टोरीज जो हैं, क्यों नहीं, हम लोग स्टोरी टेलर्स हैं एंड थैंक्स टू आवर प्रोड्यूसर जो इतने कमाल के स्टोरी टेलर हैं, यू नेवर नो। एंड हमने 10 महीने में इतना सारा बताया है ऑडियंस को, कितने ट्विस्ट, कितने टर्न्स, कितने मूव्स, कितने कितना सारा हो गया है फालतू में 10 महीने में। आप लोग दुख नहीं हुआ जब मतलब टीआरपी इतनी अच्छी हुआ आपके शो को इस तरह से रैपअप करना, कहीं ना कहीं कुछ गलत नहीं आपको हुआ होगा? बट इट इज़ बियॉन्ड, देर आर पास बियॉन्ड ऑल ऑफ अस दैट वर्क एंड वी रियली डोंट नो वॉट इज़ गोइंग ऑन, बट हम खुश है दैट वी आर लीविंग ऑन अ हाई नोट, दुख है छोड़ने का, बट अब क्या करें, नॉट एवरी थिंग इज़ इन योर कंट्रोल। एंड जैसा मैम ने बोला, देर आर हायर पास, क्या होता है ना, बिल्कुल आपको दुख होता है, थोड़ा कुछ मोमेंट्स के लिए बुरा भी लगा, बट फिर समझदारी या विजडम उसको बोलते हैं कि आपको एक चीज़ तो सबसे बड़ी है, जो मन का हो तो अच्छा, जो ना हो तो ज़्यादा अच्छा, क्यों? क्योंकि वो ऊपर वाले के, भगवान के मन का होता है। आई थिंक
चैनल है, प्रोड्यूसर्स हैं, वो बड़ी पिक्चर देखते हैं, शायद हम लोग वो नहीं देख सकते, तो उन लोगों ने कंबाइंड जो डिसीजन लिया है, आई थिंक वो चैनल के लिए, स्लॉट के लिए, शो के लिए, उसके भविष्य के लिए, उसके फ्यूचर के लिए, आई थिंक उन लोगों को ऐसा लगा कि ये बेस्ट डिसीजन है, उनकी वजह से आज हम लोग आपसे बात कर रहे हैं, उनकी वजह से हम शो में आए। अगर वो डिसाइड करते हैं कि ये राइट टाइम है बाय बोलने के लिए, तो हमें खुले दिल से अच्छी वाइब्रेशंस के साथ उन्हें सपोर्ट करना चाहिए और एक्सेप्ट करना चाहिए। सो हम पूरी तरह से इमोशनल होते हुए, हैप्पी होते हुए एक्सेप्ट करते हैं। थैंक यू सो मच दर्शकों, क्योंकि आप लोग हैं तो कोई भी एक आर्टिस्ट है, कोई एक स्टोरी टेलर है, हम क्रिएटिव लोग हैं, तो बहुत मज़ा आता है। थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने इतना ज़्यादा प्यार दिया है, और हम सब एज एक्टर्स, इंडिविजुअल आर्टिस्ट एंड टीमिंग अप टुगेदर आपको नज़र आते ही रहेंगे, तो जब भी हम लोग दिख जाना तो सीटी ज़रूर बजाएगा टीवी और फालतू को याद करते रहिए। थैंक यू एंड लव यू ऑल सो मच।